हेलो एवरीवन। तो हम आए हैं दिल्ली नरेला। गाइस ये टीन सेट स्ट्रक्चर है और इसे बोलते हैं सोलर एलुमिनियम प्रोफाइल, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। और गाइस हमारे टीम मेंबर्स ऊपर पैनल चढ़ा रहे हैं। गाइस ये 5th फ्लोर है, इसलिए इसमें थोड़ी सेफ्टी के साथ पैनल्स चढ़ाने पड़े थे। आप देख सकते हो कि यहाँ से सरिये निकल रहे हैं और मतलब सेफ जगह नहीं है, पैनल्स को खरोच आ जाती है, दिक्कत हो जाती है पैनल। गाइज हमारा अगला स्टेप ये होगा कि सारे के सारे पैनल्स तो चढ़ चुके हैं ऊपर, अब हम सारे के सारे पैनल्स मॉड्यूल्स को इंस्टॉल कर देंगे स्ट्रक्चर के ऊपर। आप लोग देख सकते हो हमने नाइट शिफ्ट में भी काम किया और पैनल्स इंस्टॉल किए, और सुबह तक हमने सारे के सारे पैनल इंस्टॉल कर दिए हैं स्ट्रक्चर पर, और सारे के सारे पैनल्स लग चुके हैं। गाइज गाइज पैनल के वायर आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। गाइज पैनल में 2 वायर होते हैं, माइनस एक प्लस का, और सभी पैनल्स के वायर आपस में इंटरकनेक्ट हो चुके हैं, वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग देख सकते हो ऑन करने वाले हैं सोलर इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग। गाइज तो सोलर इन्वर्टर कुछ इस तरह पैक होके आता है, कुछ इस तरह के बॉक्स में, उसे कुछ इस तरह कवर किया जाता है ऊपर से, इससे गाइज स्क्रेच वगैरह से बचा रहता है इन्वर्टर जब। तो आप लोग देख सकते हो ये केसोलर का 5G प्रो इन्वर्टर। गाइस आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह दिखता है। गाइस केसोलर के सारे इन्वर्टर इसी डिज़ाइन में आते हैं, वाइट कलर में। आप देख सकते हो ये गाइस काफ़ी हैवी इन्वर्टर होता है। गाइस तो मैं आपको इसकी कुछ एक्सेसरीज दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो ये हैंडल है, और ये कुछ कनेक्टर्स है, MC4 कनेक्टर्स, और ये हैंडल है। इस पर गाइस ये दीवार में ठपता है और फिर इसको लगाया जाता है इन्वर्टर, इस पर टांगा जाता है। आप देख सकते हैं इन्वर्टर चालू हो चुका है, लग चुका है। गाइस तो थोड़े थोड़े समय बाद पैनल्स के ऊपर धूल जम जाती है, कभी कभी तरह से गंदा कर जाते हैं। तो इसे साफ करने के लिए एक तो 2 तरीके होते हैं। एक तो मैंने उसे बाई करो, पानी में जाके साफ कर दो। एक होते हैं गाइस ये स्प्रिंकलर, सोलर स्प्रिंकलर। गाइस ये डायरेक्ट टंकी से कनेक्ट हो जाते हैं, पानी की टंकी से, और ये डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से चलते, बटन दबाओ चालू हो जाएंगे और आपका पैनल साफ हो जाएगा। तो कुछ इस तरह धूल को ये साफ कर देते हैं। गाइस तो पैनल्स को इसलिए साफ़ किया जाता है क्योंकि अगर ये गंदे हो जाते हैं तो ये अपनी पूरी की पूरी एफिशिएंसी के साथ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाते, यूनिट जनरेशन कम हो जाती है। और अगर पैनल साफ़ रहेंगे तो वो अच्छी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, अपनी पूरी की पूरी एफिशिएंसी के साथ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। तो इसलिए पैनल्स को साफ़ करना इम्पोर्टेंट होता है। तो आप लोग देख सकते हो ये सारे के सारे पैनल्स सोलर स्प्रिंकलर्स से साफ हो रहे हैं। आप देख सकते हो वैसे कितने अच्छे से साफ़ हो रहे हैं, और ये थोड़ी देर में पूरे के पूरे पैनल साफ़ हो जाएंगे अच्छे से, और फिर ये अपनी पूरी की पूरी एफिशिएंसी के साथ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट जनरेट करेंगे। गाइस पैनल्स को मंथ में 1 से 2 बार क्लीन किया ही जाना चाहिए गाइस, इससे यूनिट जनरेशन सही रहती है, सही से पैनल्स काम करते हैं और लॉन्ग टर्म तक चलते हैं। गाइस इस साइट का वर्क कंप्लीट हो चुका है। गाइस तो इस प्रकार के नॉलेजेबल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और गाइस फाइनली साइट का वर्क कंप्लीट हो चुका है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।